दोस्तों एक कथन है बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। तो आप सभी देशवासियों एवं समस्त क्षेत्रवासियों को अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज पढ़ेंगे बाबा साहब के जीवन परिचय के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था। मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। पिता का नाम रामजी सकपाल, माता का नाम भीमाबाई सकपाल, पत्नी का नाम रमाबाई तथा डॉक्टर संबिता अंबेडकर, इनकी दो पत्नियां थी। ठीक है, उपनाम भीमा, बाबा साहब या दलितों का मसीहा भी इन्हें कहा जाता है। समाधि स्थल चैत्य भूमि महाराष्ट्र में। शिक्षा BA, MA, PhD, LLB, MSc, DSc, बैरिस्टर अपला अन्य प्रकार की बहुत ही प्रसिद्ध डिग्रियां प्राप्त की थी। सम्मान इन्हें भारत रत्न दिया गया है। ये हमारे देश के संविधान निर्माता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। धर्म बौद्ध धर्म 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में इन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ अपना लिया था। बच्चे का नाम यशवंत अंबेडकर।